स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कर दिया है सूद इंक्रीज टू तो हिस्टोरिक ट्वेंटी परसेंट अब कसरा होंगे इसके रियल स्टेट सेक्टर पे? वी विल टॉक अबाउट इट इन दिस वीडियो वेलकम टू न प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप लास्ट वीक वॉज अ ब्लैक वीक फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी सबसे पहले हमारा जो डॉलर पी एक्सचेंज रेट है वो टू नाइंटी करता है हमारी इन्फ्लेशन जो है वो फोटी परसेंट क्रॉस करती है और थर्सडे को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इनक्रीज़ करता है शरा सूद बाई थ्री परसेंट और लेके जाता है ट्वेंटी परसेंट के हिस्टोरिक लेवल के ऊपर अब जो पाकिस्तानी रियल स्टेट मार्केट है वो बेसिकली कैश मार्केट है इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की वजह से एक कैश का आउटफ्लो होगा फ्रॉम द मार्केट टूवर्ड्स द बैंकिंग सेक्टर और ये ऐसा नहीं है कि लास्ट वीक स्टेट uh, बैंक ने शरा सूद बढ़ाई है तो अब शुरू होगा ये पिछले साल से शुरू हुआ हुआ था क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो था वो लास्ट ईयर से बढ़ना शुरू हुआ था और अब इस लेवल पे आया है और तब से ही ये आउटफ्लो जो है ये जो शिफ्ट है फ्रॉम द रजस्ट्रेड मार्केट टूवर्ड्स द बैंकिंग सेक्टर वो शुरू हो चुका हुआ था ठीक है इस बात के बावजूद कि पाकिस्तान में कल्चरली और सोशली हमारी वर्जन है टूवर्ड्स अर्निंग इंटरेस्ट इनकम स्टिल एक साइजेबल चंक ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन जो है वो uh, इस बात को प्रेफर करती है कि अगर इंटरेस्ट रेट हाई है तो हम बैंक्स में पैसे रख के इस पर रिस्क फ्री Uh, एक इंटरेस्ट इनकम जो है वो सालाना बेसिस पे अर्न करें अब इसकी वजह से रियल स्टेट मार्केट में जो स्पेकुलेशन है उसको सबसे बड़ा डेंट पहुंचेगा ऑलरेडी लास्ट ईयर टैक्सेस इंक्रीज हुए दो दफ़ा ठीक है सबसे पहले डी सी रेट उठा फिर फाइलर नॉन फाइलर की जो परसेंटेज uh, है वो उठी फिर सूद बढ़ता रहा फिर पोटिकल अनसर्टिनिटी थी इन सब की वजह से स्पेकुलेशन वैसी कम हुई हुई थी uh, अब और स्पेकुलेशन जो है वो इस वजह से ड्राई होना शुरू हो जाएगी ठीक है अब बाई स्पेकूलेशन मैं आपको यहाँ थोड़ा बताता चलूँ कि स्पेकुलेशन से मुराद है कि जब इन्वेस्टर मार्केट में आता है और प्लॉट को परचेस करता है इस घर से कि मैं हाई प्राइस के ऊपर से बेचूँगा जब मार्केट में बूम आया होता है तो स्पेकुलेशन अपनी पीक पर होती है स्पेकुलेटिव एक्टिविटी और जो प्राइसेस का इंक्रीज़ है वो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी ही ड्राइव कर रही होती है और ये सिर्फ आ, रियल स्टेट में नहीं होता बल्कि तमाम जो एसेट्स हैं चाहे वो मे बिट हो उसमें भी स्पेकुलेटिव इंटरेस्ट जब बढ़ रहा होता है तो प्राइस ऊपर जा रही होती है दैट्स हाउ दिस होल मार्केट थिंग ऑपरेट्स ठीक है अब इसके एक फ़ायदा भी है और एक नुकसान भी है सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि प्राइस का जो इंक्रीज़ है वो रुक गया ठीक है चूँकि स्पेकुलेशन जो है वो प्राइस इंक्रीज़ करती है मैंने आपको बताया था व्हेन मार्केट वाज गुड हम देखते थे कि विद इन मंथ जो है वो 10 से 15 लाख प्लॉट्स की प्राइजेज जो थी वो डी में इंक्रीज़ हो रही थी लेकिन अब ऐसा नहीं है तो प्लॉट्स की प्राइज इंक्रीज़ नहीं होंगी स्पेकुलेटिव एक्टिविटी नहीं है रेट्स जो हैं वो अरेस्टेड रहेंगे ठीक है जी दूसरी बात यह है कि जो इसका ड्रॉबैक है एक स्पेकुलेटिव स्पेकुलेशन कम होने का कि मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होगी आप अपनी चीज़ को बेचने आएंगे आपको वन टू थ्री करके ऑफ़र नहीं आएगी क्योंकि सबसे पहले ऑफ़र आपको इन्वेस्टर देता है और इन्वेस्टर ने जब लिक्विडिटी उठा ली है मार्केट से तो आपको एकदम से अपने प्लॉट की ऑफ़र नहीं आएगी ये इसका एक ड्रॉबैक है कोई भी मार्केट वो अगेन जो लिक्विडिटी है वॉल्यूम है वो स्पेकुलेशन डिसाइड करती है ठीक है जी स्पेकुलेसन ज़्यादा होगी वॉल्यूम ज़्यादा होगा आपको जल्दी ऑफर आ जाएगी स्पेकुलेशन कम होगी वॉल्यूम कम होगा आपको देर से ऑफर आएगी ठीक है तो एक इसका नुकसान भी है और एक इसका फायदा भी है अब सिल्वर लाइनिंग इसमें यह है कि एज अ पोटेंशियल बायर इस इज योर मार्केट यू कैन कम इन द मार्केट एंड पिक एंड चूज अ प्लॉट अ हाउस ऑफ योर ओन चॉइस एट योर ओन प्लेजर एट योर ओन विल ठीक है अगर आपको नई प्रॉपर्टी पसंद आ रही यू कैन लीव इट एंड वेट फॉर द राइट प्रॉपर्टी क्योंकि प्राइस तो कहीं नहीं जा रही प्राइजेज आर हेयर फॉर अ गुड 12 मंथस प्राइजेज जो हैं वो कहीं पर बनी जाएंगी बट इट डजन नेसेसरली मीन कि आप ये तासुर लें कि प्राइस जो है वो नीचे चली जाएगी चूँकि ऑलरेडी प्राइस जो हैं वो चाहे डी एच ए थ्री हो चाहे डी एच ए फोर हो चाहे डी एच ए सिक्स हो प्राइजेज जो हैं चाहे वैली हो ऑलरेडी डिप्रेस हुई हुई हैं ठीक है ठीके? काफ़ी डिप्रेस हुई हुई हैं जिसको हम फाइनेंशियल टर्म्स में क्रैश बोलते हैं उस लेवल पे आई हुई हैं ऑलरेडी ठीक है और डी एच ए टू को प्राइस से कुछ नहीं हुआ चूँकि वो उसके फंडामेंटल स्ट्रांग है अच्छा ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि फंडामेंटल स्ट्रॉ हो तब भी एक हद तक प्राइस डिक्रीज हो सकती है जैसे फेस फोर में पोजेसन है फंडामेंटल स्ट्रॉग है आ, मौके पे चीज़ मौजूद है पोजेसन है आज लें कल घर बनाएँ तो एक हद तक ही प्राइस नीचे जा सकती है डी एच ए वन में एटी टू एटी टू परसेंट एटी फाइव परसेंट ऑक्यूपेंसी रेट है यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि प्राइस वहाँ पे इतनी खास कम होगी सेम गोस फुड फॉर डी एच ए टू डी एच ए फाइव में डी एच ए इंटरचेंज बन रहा है बहुत ज़्यादा इधर अपलिफ्ट का, का काम हो रहा है गाये बगाए थ्रू शॉर्ट्स एंड यूट्यूब uh, वीडियोस आपको काम जो है फेस फाइव में दिखाते रहते हैं सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि जहाँ पे फंडामेंटल स्ट्रॉग हो वहाँ पे कोई बहुत बड़ा क्रैश हो जाएगा जैसा डी एच ए फेज़ फाइव में कोई क्रैश नहीं आया प्राइस में डी एच में कोई क्रैश नहीं आया प्राइस में डी एच में कोई क्रैश नहीं, नहीं आया प्राइस में ठीक है जो प्राइज़ में करेक्शन आई है वो फेज़ फ़ोर में आई हैं अगर आपने क्रैश का वर्ड अप्लाई करना है तो आप फेज़ सिक्स में अप्लाई कर दें वैली में अप्लाई कर दें और डी एच जो है ख़ासतौर पर आर्मी एलोकेशन और न्यू पिंडी वाला जो एरिया है वो समवर्ट समवर्ट बिटवीन क्रैश और करेक्शन जो है ऑपरेट उसने किया है प्राइस वाइज ठीक है जी सो दिस इज योर टाइम ठीक है आप आए रिलैक्स हो ईजी हो प्लॉट देखें इस सेक्टर में प्लॉट कौन कौन से अवेलेबल हैं आपको कोई पसंद नहीं आता जस्ट लीव इट देयर गो बैक एंड वेट फॉर द राइट प्लॉट इट विल कम एंड यू विल गेट अ प्राइस जो वही होगी जो छः माह पहले आप देख के गए थे जो तीन माह पहले आप देख के गए थे दिस इज योर मार्केट सो ऑन दैट नोट डू सब्सक्राइब टू अर चैनल प्रॉपर्टी गपशप वील कीप प्रोड्यूसिंग सच वीडियो फॉर यू थैंक यू वेरी मच